हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलोक पांडे और केमिस्ट्री मेंटर। और बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास। क्लास में आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे सारी नेम रिएक्शंस का स्टार्टअप और नेम रिएक्शन कैसे होती है ये आपके सामने स्टार्ट हो रहा है। ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस, ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना बाय यूजिंग सम रिएजेंट्स। अब रिएक्शन जो होती हैं, जो रिएक्शन होती हैं, उनको भी मैं कैटेगराइज कराऊं तो सबसे पहले रिएक्शन आती है एडिशन, दूसरी आती है सब्स्टिट्यूशन, और जो तीसरी रिएक्शन आती है उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। एडिशन रिएक्शन में नो बाई प्रोडक्ट, कभी भी कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगर H2 डाल दूं तो कैटलिस्ट यूज होता है निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, CH3 बॉन्ड, CH3 मतलब एल्केन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, दो तरह के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, जैसे मैं CH4 में या बेंजीन में, ज्यादा इजी रहेगा बेंजीन से देखते हैं, मैंने बेंजीन लिया और उसमें मैंने नाइट्रिक एसिड डाल दिया HNO3, तो क्या होगा, बेंजीन का H+ हटके उसमें NO2 लग गया तो नाइट्रो बेंजीन बन गया और क्या निकल गया, H2O। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वहीं पे ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक। अब यहीं पे हम न्यूक्लियोफिलिक की बात करें तो जैसे मान लीजिए CH3Cl है और हम इसमें KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बन गया CH3OH और क्या निकल गया, KCl। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव Cl- को किसने रिप्लेस किया, नेगेटिव OH- आयन ने। अब आते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का जो सबसे फेमस टाइप है उसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन। अब इसके दो टाइप होते हैं, या तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो फेमस है, या डीहाइड्रेशन। इसके मैं तीन एग्जांपल बताता हूं। पहला एग्जांपल यहां पे देखिए, CH3CH2Br, आपने इसमें क्या डाला, एल्कोहलिक KOH। तो ऐसा करते हैं Br, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा का H निकला तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या निकल गया, HBr। इसे कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। कैटलिस्ट याद कर लो एल्कोहलिक KOH, या क्या यूज होगा, एल्कोहलिक NaOH। दूसरा अगर मैं यहां पे देखता CH3CH2OH और हम यहां डाल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या हो जाएगा, वही OH, अल्फा बीटा से क्या निकलेगा, H, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या रिमूव हो गया, वाटर। तो ये कहलाता है डिहाइड्रेशन। क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। ऐसे मैंने ले लिया CH2Br, जिसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं, और इसमें जिंक डस्ट को डाल दिया बेटा, तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या निकल गया, Br2। आप नोटिस करो तीनों के तीनों में हमारा प्रोडक्ट सेम है, राइट, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन दोनों तीनों के रिएक्टेंट अलग है और अलग अलग ही क्या है, कैटलिस्ट। तो इसी को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं, इसका पर्पस क्या है कि जब हम कन्वर्जन करेंगे तो बार बार रिएक्शन में कभी एलिमिनेशन हो रहा होगा, कभी सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा, कभी एडिशन हो रहा होगा, तो आपका ध्यान फोकस रहना चाहिए कि रिएक्शन कौन से टाइप में जा रही है। और जितना ज्यादा आप फोकस के साथ क्वेश्चंस को करेंगे उतना ज्यादा बाद में आपकी जो फोकस स्टार्टिंग में होगा ना वो रिकॉल होगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का कनेक्शन है। जरा सा आपने मेमोराइज नहीं किया, स्किप किया माइंड से, तो आपका कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा, फिर आपको कन्वर्जन आज क्या कभी भी समझ नहीं आएंगे। तो आई ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट मी, तो समझ रहे बात को। हमें एक एक चीज को समझते हुए करना है कि इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको हर चीज का शॉर्टकट देता हूं बट इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। चलो जल्दी से नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इथाइन से इथेन। अब बेटा इथाइन से इथेन बनाना है तो ये एक नेम रिएक्शन है, इसको कहीं ना कहीं आप हाइड्रोजिनेशन के नाम से जानते हो या आप इसको रिडक्शन ऑफ एल्काइन भी कह सकते हो, रिडक्शन रिएक्शन। बोलो क्लियर है।
तो इथाइन से इथेन हम बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजिनेशन, जो कि एक क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। अब मैं बोलूं इथाइन क्या है तो आप बोलोगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हम पहले क्या डालेंगे, H2, किसकी प्रेजेंस में, निकल प्लैटिनम और पैलेडियम, दो एच है, एक एच यहां लगेगा, एक एच यहां लगेगा, और ये बन जाएगा CH2। ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, डबल में। तो आपने कहीं ना कहीं इस एसिटाइलीन को, जिसको आप इथाइन कहते हो, एसिटलीन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसमें अगर दोबारा H2 डालें, अब एरो पे अगर हम प्लस लगाते हैं तो मतलब हम रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं, माइनस लगाते हैं मतलब हम बाय प्रोडक्ट लिख रहे हैं, और अगर हम कुछ नहीं लिखते, जैसे इन पे नहीं लिखा, तो ये कैटलिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तीन बातें, एरो पे प्लस रिएक्टेंट, एरो पे माइनस बाय प्रोडक्ट, और एरो पे कुछ नहीं लगा तो वो कैटलिस्ट है। अब मैं यहां कैटलिस्ट लिखूंगा, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, फिर से दो एच आए, एक एच यहां लगेगा, एक एच यहां लगेगा, और ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब किसमें कन्वर्ट हो गया, इथेन में। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, इथेन में, सही है। चलो दूसरा देख लो, दूसरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम क्या करते हैं, जो फेमस है वो इथीन से क्या बनाते हैं, 1,2-डाई-क्लोरो इथेन। अब इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हम इसमें क्या डालेंगे, Br2। अगर हम इसमें Cl2 डालते हैं तो हमें शायद कैटलिस्ट यूज करना पड़ता, CCl4, लेकिन जब Br2 डाल रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना। दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन यहां लगेगा, दूसरा यहां लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH2Br, CH2Br। तो 1,2-डाइब्रोमो, जो कि बाय नेचर क्या होता है, विसिनल डाइहेलाइड। आपसे अगर कोई पूछे विसिनल डाइहेलाइड क्या है, तो आप बोलोगे वो कंपाउंड जिसमें कॉन्जिक्यूटिव कार्बन के पास सेम हेलोजन पाया जाता है। बच्चों जैसे हमने अभी क्लोरो लिखा था, ब्रोमो बनाया है, तो हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं, 1,2-डाइब्रोमोइथेन करें से। पकड़ेंगे अब तो बच्चों, अभी तक हमने दो क्वेश्चन समझे, एक में हमने हाइड्रोजनेशन किया, एक में हेलोजनेशन किया, दोनों में बाय प्रोडक्ट नहीं बने। इसका क्या मतलब है, इसका साफ साफ मतलब है कि ये दोनों कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं आगे की, आगे क्या कॉन्सेप्ट है, थर्ड क्वेश्चन अब हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें आपसे बोला जाता है कि प्रोपीन नाम का एक मॉलिक्यूल है, प्रोपीन, और उसको कन्वर्ट करना है 2-क्लोरो-प्रोपेन में। तो इस रूल को आगे से याद रखेंगे आप, नेम रिएक्शन में कंसीडर करा जाएगा। कौन सा रूल है, मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल सिंपल वर्ड यूज करता है, रिच को रिचर बनाता है, रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, रिच रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप, पहले तो आप प्रोपीन लिखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या ऐड करना है बेटा आपको, HCl। आपको सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन कंसीडर करने हैं। अब इनमें जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है वो रिच है, और जिसमें कम हाइड्रोजन है वो क्या है, पुअर। ऐसे HCl में, जो मैंने बोला ज्यादा हाइड्रोजन वाला रिच है, इसका मतलब हाइड्रोजन रिच बनाता है, तो इस हाइड्रोजन के नीचे मैं रिच और Cl के नीचे क्या लिखूंगा, पुअर। अब रूलिंग क्या कहती है, रूलिंग कहती है बेटा रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो अब ये क्या हो जाएगा, CH3 CH पे आके कौन लग रहा है, Cl, तो CH3 CH Cl, और यहां आके क्या लग गया, CH3। शायद हमें यही बनाना था। ये भी कौन सी रिएक्शन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है। इसके बाद आ जाओ फोर्थ, आपको कहा जाता है प्रोपीन को किस में कन्वर्ट करो, 1-ब्रोमोप्रोपीन में। ध्यान से सुनना, आगे बहुत कुछ काम आने वाला है। इस रूल को कहते हैं AM रूल, जो कि क्या कहता है, रिच पुअर, पुअर क्या है, रिचर, रिच पुअर, और पुअर क्या होगा, रिचर। इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट, और एंटी मार्कोनिक रूल तो लिखा ही हुआ है।
अब करना क्या है इसमें, इसमें भाई सिंपल सा है बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr लोगे, एंटी मार्कोनिक रूल के दौरान आप इसमें कैटलिस्ट यूज करोगे या तो H2O2 या आप यूज करोगे C6H5CO का ट्वाइस O2। ऊपर वाले को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नीचे वाले को बेंजोइल पेरोक्साइड के नाम से जाना जाता है। बाकी एज यूजुअल जो हम करते आ रहे थे, ये रिच है ये पुअर है, ये रिच है ये पुअर है, रिच को पुअर बना दो और पुअर को क्या बना दो, रिच। तो इस तरीके से अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आप क्या देखते हैं, CH3 CH2 CH2 Br, और जो प्रोडक्ट बना वो हमारा क्या हुआ, 1-bromo-propane, वो तो हमें ऑलरेडी पता भी था। बट क्या कब किसको यूज करना है, तो जब भी हमें एल्कीन दिखे वो भी वन इन, क्या दिखे वन इन, और पोजीशन नंबर वन पे हेलोजन या एल्कोहल या कोई भी ग्रुप लगाना है तो आप यूज करोगे AM रूल। लेकिन अगर पोजीशन टू पे वर्कआउट करना है, टू ओल टू नाइट्रो टू ब्रोमो कुछ भी लिखाओ, आगे कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, बट पोजीशन टू पे एक्टिवेट करना है तो आप कौन सा रूल यूज करोगे, मार्कोनिक। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है कन्वर्जन, बस लगे रहो और करके दिखा दो। चलो बड़ा बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है 1-bromo इथेन किसमें कन्वर्ट करो, एन ब्यूटेन में। तो आप नोटिस करिए ये रिएक्शन बहुत ही फेमस है जिसमें कार्बन डबल होते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम क्या करने वाले हैं, CH3 CH2 Br, 1-bromoethane प्लस 2Na प्लस दोबारा CH3 CH2 Br, और हमने क्या यूज किया यहां पे, ड्राई ईथर। अब होना क्या है, एक Br यहां पे, एक Br यहां पे और 2Na यहां पे, मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2NaBr साथ में CH3 CH2 CH2 CH3। अब चारों के चारों कार्बन मतलब चार कार्बन मतलब ब्यूट और स्ट्रेट चेन में है तो इसके आगे N लगेगा। रियल में N का मतलब होता है नॉर्मल विदाउट एनी ब्रांच। चलिए इसका अगला क्वेश्चन, मान लीजिए मैं आपसे कह दूं 1-chlorobenzene है और आप इसको किसमें कन्वर्ट करें, डाई फिनाइल में, या आप इसको और क्या बोल सकते हो, बाई फिनाइल। कैसे करोगे, ये बेंजीन है ये सीएल है ये सीएल है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो भाई क्या होगा बच्चों जो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, टू एन ए सी एल बन गया और दो बेंजीन को आपस में जोड़ दिया गया। अब इस कंपाउंड को हम डाइफिनाइल या क्या कहते हैं, बाइफिनाइल। इस रिएक्शन का नाम है बड़ा फेमस, इस रिएक्शन का जो नाम है बेटा वो है फिटिग रिएक्शन। क्या नाम है, फिटिग रिएक्शन। एक थी वुड्स रिएक्शन, अब ये कौन सी है, फिटिग रिएक्शन, और जो हम अगली पढ़ेंगे उसका नाम होगा एज यू कैन गेस वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो 1-chlorobenzene होगा। अब बेटा इसमें क्या है बच्चों, ये वाला तो फिक्स है, चलो डाइफिनाइल, फिटिंग में कोई ऑल्टरेशन नहीं आ सकता, बट उसमें कार्बन एटम बदल सकते हैं, ब्रांचिंग हो सकती है, और ऐसे वुड फिटिंग में। अब मैं लिखने क्या जा रहा हूं कि 1-chlorobenzene से क्या बनाओ, टॉलीन, आगे चल के इथाइल बेंजीन भी आ सकता है, क्यूमीन भी आ सकता है, जिसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसका नाम क्या है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या नाम है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब 1-chlorobenzene है तो हमने बेंजीन लिया, उस पे क्या लगाया, Cl, तो 2Na प्लस यहां Cl CH3, ड्राई ईथर का यूज करेंगे, तो ऐसा करने पर क्या होगा,
ये बन जाएगा टू एन ए सी एल, और बेंजीन पे आके क्या लग जाएगा, सी एस थ्री। तो जैसे ही बेंजीन पे सी एस थ्री लगेगा, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, टोलीन। क्या बोलते हैं इसको, टोलीन। तो ये तीनों नेम रिएक्शन हमने अभी पढ़ी, वुड्स फिटिंग और दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसे क्या कहते हैं, वुड्स फिटिंग। फटाफट इसे नोट करें, धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी क्योंकि मैं अब सारी चीजों को मर्ज करना शुरू करने वाला हूं। जल्दी करिए इसको। चलो, तो अभी आप लोगों ने सीखा वुड्स वुड्स फिटिंग और फिटिंग का यूज। अब इसको थोड़ा सा और लेके चलते हैं और समझते हैं कि कैसे इस पे क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे बच्चों मैं आपसे बोल दूं कि टू क्लोरो प्रोपेन आपके पास अवेलेबल है, टू क्लोरो प्रोपेन, जिसमें आपको टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? कहीं ना कहीं ये भी कौन सी रिएक्शन है, वुड्स। क्योंकि आप नोटिस करिए, ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन, चार, और डाई मिथाइल मतलब दो, तो फोर और टू कितने हुए, सिक्स, और प्रोपेन में कितने हैं, थ्री। तो मतलब आप कार्बन के बेसिस पे देखें तो कार्बन डबल हो रहे हैं, बट अजीब बात यह कि लिखा हुआ ब्यूटेन आ रहा है सर, तो हम कैसे करें? चलो हम थोड़ा सा इसको पहले सीधा कर दें। टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन, अब रिएक्शन कौन सी है, ये वुड्स। यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा टू क्लोरो प्रोपेन को हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे इसको। अब फिर हम दोबारा से टू क्लोरो प्रोपेन को लिखेंगे और फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे। बीच में पहले क्या दिखाएंगे, टू एन ए, और फिर क्या दिखाएंगे, सी एल सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री, ड्राई ईथर। अब क्या होना है, एज यू ऑल नो, ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। कंबाइन करने के बाद टू एन ए सी एल निकल गया और ये आपस में जुड़ेंगे। क्या है ये, सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री। तो बहुत ही इजीली आपको आइडिया लगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो उस वक्त आपका माइंड इतना एक्टिव नहीं होगा। अब बेटा मान लीजिए आपको बनाना है वन क्लोरो बेंजीन से, वन क्लोरो बेंजीन से, और आपको क्यूमीन बनाना है। शायद आप में से कोई लोग जानते हैं कि नहीं, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या होता है बेटा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और यहां जो हम रिएक्शन फॉलो करेंगे वो होगी वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या होगी, वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब जरा देखते हैं ये कैसे होगा। वन क्लोरो बेंजीन में ये बेंजीन है, ये इस पे क्या लगा होगा, सीएल। अब हमने क्या करना है, पहले तो टू एन ए यूज करना है, दूसरा क्या नाम है, टू क्लोरो प्रोपेन यूज करेंगे, जो आपको अब ऊपर भी यूज किया गया है, ठीक है। अब ऐसा करने पर क्या होगा, ये और ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। इसके बाद किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो बेटा बेंजीन जो है ना, उस पे क्या जुड़ जाएगा, आप ही बताओ। ऑब्वियसली जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा था वही कार्बन आके जुड़ेगा, तो ये सी एच, एक सी एस थ्री इधर, एक सी एस थ्री इधर, और क्या निकल गया, टू एन ए सी एल। इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसी का ही बड़ा फेमस नाम है क्यूमीन। क्या नाम है इसका, क्यूमीन। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। होप सो आप लोगों को सब समझ आ रहा होगा। चलिए शाबाश बेटा। ओके सो बात करते हैं आगे की। अभी तक आपने बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पे वर्कआउट कर लिया, वुड्स वुड्स फिटिंग फिटिंग हाइड्रोजिनेशन हेलोजिनेशन हाइड्रोहेलोजिनेशन मार्कोनिक रूल एंटी मार्कोनिक रूल। अब हम काम करते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। चलिए फटाफट करते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पे काम। अब हमारा आ रहा है 10th क्वेश्चन, रिडक्शन। कितने लोग जानते हैं, पहले इस वर्ड को बताओ, इसको छोड़ो, पहले पहले आप मुझे बताओ कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन में यहां पे जो हम यूज करेंगे वो क्या होगा। रिडक्शन के दो मतलब है जो हम यूज करेंगे। एक काम करेंगे और क्लियर करते हैं इसको, रिडक्शन, और दूसरा वर्ड क्या है, ऑक्सीडेशन।
रिडक्शन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना, और दूसरा क्या होता है, H2 का जुड़ना। इसमें उल्टा होता है, O का जुड़ना और किसका निकलना, H2 का। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है माइल्ड रिडक्शन और दूसरा क्या होता है, स्ट्रोंग। माइल्ड में कोई एक एक्टिविटी होगी, या तो O निकलेगा या क्या जुड़ेगा, H2। तो यहां पे जो हम कैटलिस्ट यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, NaBH4 पहले, और पैलेडियम इन कार्बन। एक माइल्ड है, एक्चुअली बोर्ड पे दिख नहीं रहा इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। एक माइल्ड है, एक स्ट्रॉन्ग है। यहां क्या हमने बोला, NaBH4 यूज कर सकते हैं, पैलेडियम इन कार्बन यूज कर सकते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होगा उसमें हम क्या यूज करेंगे, LiAlH4। ऐसे ही ऑक्सीडेशन भी दो तरह का होगा, एक माइल्ड और एक स्ट्रॉन्ग। माइल्ड में आप यूज कर सकते हो CrO3, K2Cr2O7 या कॉपर एट 573 केल्विन। स्ट्रॉन्ग में यूज क्या करोगे आप, KMnO4। ठीक है जी, अब इनका यूज कैसे होगा, एक छोटे से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जा रहा है एसिटिक एसिड से क्या बनाइए, इथेनॉल। तो एसिटिक एसिड से इथेनॉल कैसे बनेगा, तो CH3COOH, यहां हमने इसका किया रिडक्शन, क्या यूज किया, NaBH4, जिसकी वजह से O रिमूव हो गया, तो ये बन गया CH3CHO। तो एसिड मतलब एसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ, इथेनॉल में। इसको आप एसिटाल्डिहाइड भी कह सकते हो। फिर आप इसका रिडक्शन करोगे बाय यूजिंग NaBH4, तो ये बना देगा CH3CH2OH। अब आप जरा चेंजेस को चेक करो, पहले मैंने O निकाला, अगले में हमने दो H जोड़े, H2 CH में जोड़ा तो CH2, O में जोड़ा तो OH। अब हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट एसिड से क्या बना दें, एल्कोहल। तो हम इसका क्या कर सकते थे, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, और क्या यूज कर सकते थे, LiAlH4। क्लियर हो गया? तो पेपर में, एग्जाम में अगर जब डायरेक्ट पूछा है तो हम ये क्यों यूज करें, हम तो डायरेक्ट ये यूज करेंगे LiAlH4। बट मैंने क्यों करा है, जिससे मैं आपको इसका माइल्ड का और स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस बता पाऊं। फटाफट नोट करिए, बच्चों ये था रिडक्शन। अब हम आगे देखते हैं आगे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि आप कन्वर्ट करें इथेनॉल को, और किसमें कन्वर्ट करें, एसिटिक एसिड में। उसी का रिवर्स कर लेते हैं। तो ये बेसिकली मैं जो बताने जा रहा हूं वो किसका एग्जांपल है, अभी ये कौन सी रिएक्शन मानी जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH, इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे CrO3 K2Cr2O7 या कॉपर एट 573 केल्विन। अब जैसे ही आप करोगे, पहले वाले में क्या हुआ था, ओ निकला था, इस वाले में क्या होगा, दो एच निकलेंगे, एक एच यहां से एक एच यहां से, मतलब ये क्या बन जाएगा, CH3CHO। तो ये इथेनॉल था और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, इथेनल में। फिर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे क्या डाल के, CrO3 डाल के। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें अब एक ओ जोड़ेंगे, तो ये क्या बन गया, CH3COOH। अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट करें, एसिटिक एसिड में, तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, और जो आप यूज करोगे उस कैटलिस्ट का नाम क्या होगा, KMnO4। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए मैं आपसे कह दूं 1-क्लोरो-प्रोपेन से बनाना है आपको 2-क्लोरो-प्रोपेन। तो यहां जो यूज होगा उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्या है ये,
एलिमिनेशन रिएक्शन, ये थोड़ी सी जरूरी रिएक्शन है, ध्यान से देखना। एलिमिनेशन, तो बीटा एलिमिनेशन हमने थोड़ी देर पहले भी से पढ़ा था, तो वन क्लोरोप्रोपेन मतलब CH3 CH2 CH2 Cl, हमने क्या यूज किया एल्कोहलिक KOH, तो ये Cl है, ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा से क्या निकलेगा H, तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या निकल गया बेटा HCl, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया प्रोपीन में। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, हमने एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ी है, 2-क्लोरोप्रोपेन पोजीशन 2 पे और 1 ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो रूल लगता है, यस यू आर राइट, कनेक्ट हो रही है बात, मार्कोनिक रूल। ठीक है, हम यहां पे क्या यूज करेंगे HCl और कौन सा रूल लगाएंगे एम रूल, तो क्या बन जाएगा CH3 CH Cl CH3, है ना, रिच गेट्स रिचर पुअर गेट्स पुअर, देख लीजिए फटाफट देख लीजिए। चलो बच्चों अब हम आगे देखते हैं, डिहाइड्रेशन का एक यूज करेंगे और अब हम नेम रिएक्शन ऑफ चैप्टर 10 मतलब फिंकरस्टीन स्वार्ट्स रिएक्शन की तरफ एंट्री मारने जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहां से शुरू करेंगे, ध्यान से देखना, हमें बोला जाता है प्रोपेन 2-ol से क्या बनाए प्रोपेन 1-ol, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है, तो देखते हैं जरा एलिमिनेशन रिएक्शन 1-ol देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि हम इसमें कौन सा रूल और यूज करेंगे, तो दो चीजों का इसमें यूज होने वाला है एलिमिनेशन प्लस एंटी मार्कोनिक रूल। प्रोपेन 2-ol कुछ इस प्रकार से होता है, हमने इसमें पहले क्या डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये OH, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा से क्या निकलेगा H, तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बाय लॉस ऑफ वाटर। इतना बनने के बाद इसमें अब क्या डालोगे आप HBr, क्या डालोगे बेटा HBr, वो भी किसकी प्रेजेंस में H2O2 या बेंजोइल पेरोक्साइड, तो रिच गेट्स पुअर पुअर गेट्स रिचर, क्या बन गया CH3 CH2 CH2 Br। इतना करने के बाद आप इसमें अब एक्वस KOH डालोगे, एक्वस KOH में KBr तो निकल जाएगा और ये बनेगा CH3 CH2 CH2 OH। बोलो क्लियर है, शायद हमें यही बनाना था, एग्जैक्टली क्लियर हुआ। अब देखो क्या हो रहा है, आपने सब कुछ पढ़ा था, सबको पता था डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है कॉन्सेंट्रेटेड SSO4, सबको पता था AM रूल है, लेकिन जब हमारे सामने क्वेश्चन आया तो क्या हमारा माइंड इसका रिस्पॉन्स कर पाया कि 1-ol मतलब AM रूल और AM रूल में ol लगाने के लिए KOH यूज होता है प्लस एंटी मार्कोनिक का यूज होगा और एल्कीन बनाना जरूरी है। ये सारी चीजें तभी समझ आएंगी जब आपका माइंड चीजें रिपीट करेगा रिकॉल करेगा। होप सो आप समझ रहे हैं इस बात को। अब हम इसी बात पे अगली रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। एक्वस KOH का याद रखना एक एल्कोहलिक KOH था जो HCl HBr निकालता था, ये एक्वस KOH है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। अब हम बात करें तो अगला क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं फिंकरस्टीन रिएक्शन पे। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1-क्लोरोप्रोपेन, देखो मैं बता दूं आपको क्लोरो और ब्रोमो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन फ्लोरो और आयडो के लिए स्पेशल रिएक्शन है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें हमें क्या बनाना होगा 1-आयडो प्रोपेन। आयोडीन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या बोला मैंने फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होगा 1-क्लोरोप्रोपेन, तो CH3 CH2 CH2 Cl, इसमें आप NaI या KI डालेंगे, तो ऐसा करने पर क्या होगा CH3 CH2 CH2I और साथ में क्या निकलेगा NaCl और क्या निकलेगा KCl, तो आयोडीन सब्स्टिट्यूट हो गया। इसी के साथ एक और रिएक्शन कर लेते हैं कि मान लीजिए 1-ब्रोमोप्रोपेन दिया होता और आपको इसमें 1-फ्लोरोप्रोपेन बनाना होता, तब आप क्या करते, तब इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, क्या कहते स्वार्ट्स रिएक्शन। तो आप कैसे करोगे CH3 CH2 CH2 Br किससे रिएक्ट करोगे AgF, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2F और क्या निकल गया AgBr। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये तीनों रिएक्शन। अभी हम धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहे हैं, अभी हमने कर ली 15 रिएक्शंस जिसमें फिंकरस्टीन स्वार्ट्स कवर हो गई, करिए फटाफट इसे।
अब हम बात करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, नेम एज सैंडमेयर रिएक्शन. काफी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा. क्वेश्चन है, एक्चुअली सैंडमेयर रिएक्शन के दो टाइप हैं, बट हम इसको बेसिक से लेके चलेंगे जिसमें हम डायजोटाइजेशन में मर्ज करेंगे. एनिलीन को किसमें कन्वर्ट करना है, 1-chloro-benzene में. ये रिएक्शन कहीं ना कहीं सैंडमेयर और डाइएजोटाइजेशन का मिक्सचर है. थोड़ा समझेंगे इसको, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं. एनिलीन क्या होता है, ये रहा बेंजीन, और बेंजीन पे क्या लग जाएगा, NH2. हम इसमें डालने वाले हैं NaNO2 प्लस 2HCl. टेम्परेचर है 273 से 278 केल्विन, और 2 से 3 बार का हम इसमें क्या लगाएंगे, प्रेशर. अब क्या करना है हमें, ध्यान से सुनना जो मैं गोल करूंगा. 2HCl को मैं लिख सकता हूं 2H प्लस Cl प्लस Cl, NaNO2 को Na प्लस N प्लस 2O, राइट. अब मैं गोल कर रहा हूं N, N और Cl, जिस वजह से जो मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है, जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है बेटा, वो बनेगा बेंजीन पे क्या, N2Cl, जिसमें N और N में रियल में डबल बॉन्ड है. अब इसका नाम क्या है, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड. साथ में क्या निकला वो हमें थोड़ा देखना चाहिए. Na ने एक Cl के साथ क्या बनाया होगा, इस वाले Na ने इस Cl के साथ क्या बनाया होगा, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है NaCl. अब H देखिए, ये वाले H, 2H, 2H, 4H और 2O, क्या बना लेगा, 2H2O. तो 2H2O रिमूव हो गया. अब इस डायजोनियम क्लोराइड में हम कई सारी चीजें कर सकते हैं, Cu2Cl2 या कॉपर ऑब्लिक HCl. अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, जो हमारा रिक्वायर्ड था. इसके अलावा और भी कुछ सीख लो, Cu2Br2 डालोगे या Cu/HBr डालोगे, और सबके बाय प्रोडक्ट में साथ में क्या निकलेगा, N2. क्या निकलेगा बेटा, N2. अब ये क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन, और साथ में क्या निकला, N2. ऐसे आपने CuCN डालना है तो ये क्या बनेगा, साइनोबेंजीन. इसके बाद आपने AgCN डालना है तो बनेगा बेंजीन पे CN, और अगर आपने इसमें वार्म H2O डाल दिया तो बनेगा यहां पे फिनॉल. ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. तो इस तरह से आपने यहां से यहां तक जो पढ़ा, इसका अगर मैं नाम बोलूं तो इसको बच्चों आप डाई एजोटाइजेशन कह सकते हो, डाई एजोटाइजेशन. बाकी की रिएक्शन आपकी सैंडमेयर में काउंट होती है. फटाफट से नोट करें और आगे बढ़े फिर. ओके, तो बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 की. अब हम पढ़ने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोनोलिसिस, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. चलिए शुरू करते हैं. 17 नंबर, मान लीजिए आपको दिया हुआ है बेटा प्रोपीन. क्या दिया हुआ है, प्रोपीन, और आपको कहता है इसको किसमें कन्वर्ट करो, एसिटाल्डिहाइड में. किसमें कन्वर्ट करो, एसिटाल्डिहाइड में. तो इस रिएक्शन में जिसमें कार्बन कम हो रहे हैं, इसका बड़ा ही फेमस नाम है ओजोनोलिसिस. ये कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो है तो 11th में, लेकिन इनका 12th में भरपूर यूज होता है. तो बात करें प्रोपीन से एसिटाल्डिहाइड कैसे बनेगा. तो प्रोपीन क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, राइट. कार्बन कम करने हैं, सबसे पहले हम इसमें O3 डालेंगे. O3 जैसे ही हम डालेंगे O3, तो यहां पे होगी क्रैकिंग. इसको आप क्रैकिंग ऑफ डबल बॉन्ड या पायरोलिसिस ऑफ डबल बॉन्ड कहते हो. इतना होने के बाद क्या होगा बेटा, CH3CH अलग, CH2 अलग, 3 O हैं, ऐसे जुड़ेंगे और एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे.
कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने के बाद हम इसको जिंक डस्ट से रिएक्ट करेंगे। डस्ट का मतलब है पाउडर्ड फॉर्म ऑफ जिंक। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये अलग और ये अलग हो जाएगा। तो जिंक इस ऑक्सीजन के साथ ये और ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ZnO। इसको ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, CH3CHO, और CH2O को आप क्या कह दोगे, SUHO। इथेनल और ये क्या है, मिथेनल। ट्राई करो। ओके बेटा, अब इसी पे हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया ब्यूट टू इन से एसिटिक एसिड बनाना है, तो कहीं ना कहीं इसमें दो चीजें मर्ज हो रही है। ध्यान से देखो, एक तो ओजोनोलिसिस मर्ज हो रहा है, प्लस ऑक्सीडेशन मर्ज हो रहा है। कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, एनालिटिक्स आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि ब्यूट टू इन है तो कैसे बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। आपने पहले इसमें O3 डाला, बॉन्ड ब्रेक हुई, CH3CH, इधर से भी CH CH3, तीन O हैं, एक 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 पेंटागन कॉम्प्लेक्स बन गया। जिंक डस्ट डाला, CH3CHO का ट्वाइस हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, इसका ऑक्सीडेशन कर देना है और CH3COOH बन जाएगा। बोलो ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सिंपल CrO3 की प्रेजेंस में। एक बात आपको और बतानी है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने AgCN में बोला आइसोसाइनेट था, लिक साइनेट दिया था, इसको बेटा NC कर लेना है आपको, ठीक है, आइसोसाइनेट। इसके ऊपर NCERT में क्वेश्चन भी है कि AgCN आइसोसाइनेट क्यों कर देता है, फजान रूल का यूज भी है। अभी आपके सामने आ गया, इसको देखिए। ओके बच्चों, ये जो आपने अभी देखा, ये प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं क्या है आपका, डिग्रेडेशन। कार्बन एटम क्या हो रहे है, कम। तो ऐसी दो रिएक्शन और हैं जिसमें डिग्रेडेशन होता है, चलिए एक बारी उनको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं प्रोपानोइक एसिड है, क्या बेटा, प्रोपानोइक एसिड, और आप इसको किसमें कन्वर्ट करो, इथेन में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो, इथेन में। तो आप देख सकते हो डिग्रेडेशन हो रहा है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। प्रोपानोइक एसिड होता क्या है, CH3CH2COOH। सबसे पहले हम इसमें क्या डालते हैं, NaOH। जैसे हम NaOH डालते हैं, H और OH मिलके क्या बनाता है, H2O। तो ये क्या बना लेगा बेटा, CH3CH2COONa। बोलिए ठीक है, इसे हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड या सोडियम प्रोपानोएट। अब इतना करने के बाद हम इसमें दोबारा NaOH डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो CH3CH3 बन जाएगा, मतलब NaOH का H यहां चला जाएगा। अब बचा क्या है, Na2CO2+O, तो क्या बन गया, Na2CO3। तो इसे कहते हैं ये एक डिग्रेडेशन रिएक्शन है। आगे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे कहा गया है प्रोपेन अमाइड से प्रोपेन इथेन अमाइन बनाए। क्या बनाए, इथेन अमाइन। तो कार्बन कम करने हैं, इस रिएक्शन को हम फेमस है ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। कैसे होगी ये रिएक्शन, तो प्रोपेन अमाइड क्या होता है, CH3CH2CONH2। अब आपने क्या डालना है, Br2+KOH, ठीक है, या NaOH। क्या बनेगा ये और ये आपस में साइड में हो जाएंगे, CH3CH2NH2। बाकी आप देख लीजिए, दो NaOH डालेंगे तो 2NaBr क्या बना लेगा, 2NaBr। तो ये रिएक्शन हो गई डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसको एक बार देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें अगर हम 4 की जगह बेटा थोड़ा सा चेंज करेंगे, अगर हम इसमें 4 की जगह यूज करते 2 की जगह यूज करते 4NaOH,
तो ये और इजी होता, टू एन ए बी आर निकल जाता, प्लस टू एच टू ओ और क्या निकलता, एन ए टू सी ओ थ्री। इस तरीके से इसे अगर कंप्लीट करना चाहें तो देख लीजिए, फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दो डिग्रेडेशन रिएक्शन मैंने आपको और कराई, तो अभी तक तीन डिग्रेडेशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या? ओजोनोलिसिस, दूसरी क्या है डिकार्बोक्सिलेशन, और तीसरी क्या है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। करिए जल्दी फटाफट। और आपको अब बताते हैं आगे की रिएक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं बेंजीन से क्या बनाना है, टॉलीन, सिंपल सा बता रहा हूं मैं, बेंजीन से क्या बनाना है, टॉलीन। तो इस रिएक्शन को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। हम इसमें CH3Cl से ट्रीट कराएंगे, और किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, एनहाइड्रस AlCl3। तो जो CH3Cl है, एक्चुअली बेंजीन का ये कैच है, और ये CH3Cl क्या है, CH3+ और Cl-। तो बच्चों CH3+ और क्या है, Cl-, Cl-। तो आपको समझना क्या है कि यहाँ H+ जो एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, उसको रिप्लेस करने कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, CH3+। तो ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन लेंगे, क्या लगाएंगे, CH3, और क्या निकाल देंगे, HCl। तो अब जो बना ये क्या है आपका, टॉलीन। क्या है इस प्रोडक्ट का नाम, टॉलीन। अब 22, नेक्स्ट बेंजीन को एसीटो बेंजीन में कन्वर्ट करना है। इसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बेंजीन, ये रहा बेंजीन, हम इसमें CH3CO Cl से ट्रीट कराएंगे, जिसको आप क्या बोलते हो, ये क्या है, एसाइल हैलाइड। क्या है, एसाइल हैलाइड, जबकि इसका नाम क्या था, एल्काइल हैलाइड। क्या नाम है इसका, एल्काइल हैलाइड। तो जब हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइलेशन, एसाइल हैलाइड से कराते हैं तो एसाइलेशन। कैटलिस्ट सेम ही है, एनहाइड्रस AlCl3। तो CH3CO और Cl अलग हो गए, CH3CO+ यहाँ पे अटैक करेगा, H+ को रिमूव करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम आप ऑलरेडी जानते हैं क्या है, वो COCH3, मतलब एसिटोबेंजीन, और क्या निकल जाएगा, HCl। एक बार देख लीजिए। ओके बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं। देखो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, 22 क्वेश्चन आपने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 23 में हम डिस्कस करते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि आपको फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बोला मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉल में। तो अब एक तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी हो गई, अपग्रेडेशन रिएक्शन, जैसे वुड्स थी, फिटिक थी और वुड्स फिटिक थी। दूसरा, ये फॉर्मेल्डिहाइड से प्रोपेनॉल है, तो इसमें आपको कार्बन काफी बढ़ाने हैं। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड अगर ग्रिगनार्ड एजेंट प्लस वाटर से रिएक्ट करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। ये मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको समझाने वाला हूं। देखिए मैंने लिखा HCOH, अब मैंने इसमें रिएक्शन किसकी कराई, CH3CH2MgBr, ये हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। अब हम इसमें कैसे वर्कआउट करेंगे, तो देखना CH3CH2 पे और MgBr पे चार्ज चेक करना पड़ेगा, Mg का +2, Br का -1। तो MgBr क्या है, प्लस, और CH3CH2 क्या है, माइनस। तो O पे प्लस, और समझ रहे हो, डेल नेगेटिव, और ये क्या है, डेल पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब यहां क्या नोटिस करेंगे, क्या बनेगा, HCOH
ओ पे क्या लगा MgBr H और यहां क्या लगेगा CH2 CH3। इतना होने के बाद अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर किस में ब्रेक करता है H प्लस में और OH माइनस में। अब आपको चार्ज को दोबारा से देखना होगा। ओ MgBr में O का -2 Mg का +2 Br का -1। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको अगर मैं हटाऊंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का, तो कार्बन पे क्या आएगा प्लस का। तो अपोजिट चार्ज, वैसे मैं आपको डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव शो करूंगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे, पॉजिटिव नेगेटिव पे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है ध्यान से देखना। अब हम यहां पे ओ MgBr को जैसे एच मिलेगा, ये वाला एच क्या बना लेगा, ये MgOHBr का पीपीटी, बड़े काम की चीज है। फिर ये बचा एच सी एच सी एस टू सी एस थ्री और यहां क्या आ गया OH। तो ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल जो हमें चाहिए था। तो जब भी 1 डिग्री बनाना हो तो ग्रिगनार्ड में हम कार्बन इसके तो बढ़ा सकते हैं, बट ये फिक्स है, इसमें एक ही कार्बन होगा और इसका नाम क्या होगा फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में चेंज करते हम और आपसे कहते एसिटाल्डिहाइड है और आपको इसमें बनाना है प्रोपेन टू ओल, क्या बनाना है प्रोपेन टू ओल, तो आप क्या करते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड क्या होता है CH3COH, हमने इसमें क्या डालना है CH3MgBr। अब क्या होगा MgBr O पे CH3C पे, जिस कारण से थोड़ी जगह कम है तो मैं इसको डाउन कर रहा हूं। ये हो गया CH3CO पे क्या लगेगा MgBr, यहां H और यहां क्या है CH3। फिर बेटा हम इसमें H2O डालेंगे, H2O में MgOHBr तो बनना ही बनना है, MgOHBr का पीपीटी, फिर CH3CH3 और यहां आके क्या लग गया OH। तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो क्या यूज होगा एसिटाल्डिहाइड, बहुत ध्यान से देखना। और यही 3 डिग्री बनाना होता तो कीटोन। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का कन्वर्जन में इतना ज्यादा यूज है कि अभी आप चैप्टर 12 या 11 के क्वेश्चन करोगे तो वहां कई बार यूज में आने वाला है, 11 में प्रिपरेशन में और 12 में उसकी प्रॉपर्टीज में। तो फटाफट इसको नोट करिए फिर हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें अब क्या करना है। मान लीजिए आपको कहा जाता है एसीटोन है, क्या है बेटा एसीटोन, और इसको 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल में कन्वर्ट करना है। तो ये भी रिएक्शन किसकी है जीआर की, यू नो जीआर ग्रिगनार्ड रिएजेंट की। कैसे होगा ये, एसीटोन क्या होता है CH3COCH3, रिएक्शन किसकी होगी CH3MgBr। एज यूजुअल स्टेप बाय स्टेप समझते चलो, चार्ज हम वैसे ही लेंगे जैसा हम लेते चल रहे हैं, MgBr पे प्लस CH3 पे माइनस, O पे डेल नेगेटिव और C पे पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको यूज करेंगे आप क्या नोटिस करते हैं CH3C O पे क्या लग गया MgBr, यहां क्या लग गया CH3 और यहां भी क्या है CH3। फिर आप इसमें क्या डालेंगे वाटर, वाटर किसमें ब्रेक करेगा H प्लस और OH माइनस में। तो जैसे कि आप चार्ज के बारे में तो आइडिया ले ही चुके हैं, ओ MgBr का चार्ज क्या आएगा माइनस, डेल नेगेटिव और कार्बन का डेल पॉजिटिव। ये क्वेश्चन नंबर चेंज करना पड़ेगा, ये 27 नहीं है भाई 25, क्वेश्चन नंबर 24 तक हुआ था सॉरी, तो अब ये होगा क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अब H2O हमने डाला तो ये क्या हो जाएगा CH3COH हमारा रिक्वायर्ड, और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा MgOHBr एज पीपीटी, किस किस फॉर्म में बनेगा पीपीटी, क्लियर है आपको। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप फिनॉल को टोलीन बना सकते हो, तो यहां पे हम बोलेंगे कि यहां पे क्या हो रहा है रिडक्शन का यूज होगा, किसका यूज होगा रिडक्शन का। कैसे सर, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिनॉल क्या होता है बेंजीन पे क्या लगा होगा OH, सबसे पहले आप इसको जिंक से ट्रीट कराओगे ZNO निकल जाएगा, क्या बन जाएगा यहां पे बेंजीन, बेंजीन बनने के बाद आप इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लगाओगे CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ
एनहाइड्रस AlCl3 CH3 अटैक करेगा, वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आप रिएक्शन देख सकते हो, ये बेंजीन है, इस पे आके मैं क्या लगा दूंगा CH3 और साथ में क्या निकल जाएगा बेटा HCl। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, देख लीजिए और फटाफट नोट करिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं फटाफट, आप लोगों के पेशेंस को ज्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए फटाफट हम इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तक हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। और लो जी आपको व्हाइट कलर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आखिर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27? तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं कि कन्वर्जन होगा फिनॉल का सैलिसिलिक एसिड में। कितने लोगों ने रिएक्शन सुनी है, आई होप आपने सुनी होगी जरूर। फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, इसको हम कहते हैं कोलबेज रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? कोलबेज रिएक्शन, बड़ी फेमस है। तो ये रिएक्शन कैसे होगी चलो देखते हैं। ओके तो सबसे पहले तो ये रहा हमारा फिनॉल, फिनॉल का मतलब बेंजीन पे क्या लगा होगा OH। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले किससे रिएक्ट कराएंगे? NaOH से। तो जैसे हम NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो आप जानते हो इसका H और इसका OH, आपको पता है ना फिनॉल एसिडिक है तो H रिमूव करेगा, H और OH एसिड बेस रिएक्शन, तो H2O रिमूव करेगा और ये बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। तो बेंजीन पे क्या लग गया? ONa, सोडियम फिनोक्साइड बन गया। अब आप इसमें क्या करोगे? CO2 से रिएक्ट करोगे। तो जब आप इसमें CO2 करोगे, हम डायरेक्ट नहीं दिखा रहे इसमें, ऐसे दिखाएंगे, तो CO2 से करेंगे तो ONa बन गया और यहां पे इसी का COOH लग गया। अब हम इसको किससे ट्रीट कराएंगे? H+ से। तो H+ बेसिकली Na को रिप्लेस करेगा और ये OH COH बन गया और ये क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड। बोलो ठीक है, क्या रिमूव हो गया बेटा? Na+। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जरूर आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 28 भी यहीं देख लेते हैं। मान लीजिए आपको फिनॉल से क्या बनाना है? सैलिसाइल एल्डिहाइड। अब कैसे होगा, चलिए पहले नोट करिए फिर मैं बताता हूं आपको इस रिएक्शन का नाम क्या है। रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। ये रहा हमारा फिनॉल, फिनॉल में बेंजीन पे क्या लगा होगा? OH। अब हम इसमें क्या करेंगे? क्लोरोफॉर्म डालेंगे CHCl3 और साथ में क्या यूज करेंगे? NaOH। तो ऐसा करने पर क्या होगा? OH का तो आपको पता ही है ONa बनना है, क्लोरोफॉर्म का CHCl2 यहां लगेगा, मतलब जो CHCl3 है वो किसमें ब्रेक करेगा? CHCl2+ से Cl में, CHCl2 यहां अटैक करेगा और उसका H एक Cl को निकाल के क्या निकाल देगा? HCl। अब इसके तो हम इसको किससे ट्रीट कराएंगे? NaOH से ट्रीट कराएंगे। तो जैसे ट्रीट कराएंगे एक NaCl निकल जाएगा और एक क्या निकलेगा? HCl। तो इस वजह से ये ONa बन गया और यहां क्या आ गया? CHO। लास्ट में ये जो बनने के बाद हम इसको किससे ट्रीट कराएंगे? H+ से, तो Na+ निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा? OH और CHO, जिसको आप कहते हो सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो ध्यान से देख लो, ये आपकी कौन सी हो गई, ये अगर मैं सेपरेट कर दूं ऊपर वाली, तो ये थी आपकी कोलबेज और ये क्या है? रीमर टीमन रिएक्शन। फटाफट करिए, हम बात कर रहे हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का सॉरी कन्वर्जन बताना था मुझे, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आपको इथेन अमाइन दिया हुआ है, तो आप इसको इथेन आइसोनाइट्राइल में कन्वर्ट करना है आपको, इथेन आइसोनाइट्राइल में। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? क्या है ये? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो देखते हैं जरा क्या इसका रेलेवेंस है। इथेन अमाइन क्या होता है? CH3CH2NH2। हम इसमें क्या डालते हैं? क्लोरोफॉर्म प्लस 3 मोल ऑफ KOH। तो 3K और 3Cl क्या बना लेंगे? 3KCl। H कितने आप नोटिस करिए तो 1 और ये 2, 3H और 3OH क्या बनाएगा? 3H2O। अब ये बन जाएगा CH3CH2NC। तो इथेन आइसोनाइट्राइल समझ तो आप गए होंगे। तो इस रिएक्शन को याद कर लीजिए, बड़ी सिंपल है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अब आ जाइए थर्ड 30 कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में आपको कहा जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करें? मिथेनॉल में। फॉर्मेल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करें?
फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड किस में कन्वर्ट करना है बेटा, मिथेनॉल में। तो कैसे होगा फॉर्मेल्डिहाइड मिथेनॉल में कन्वर्ट? फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCOH। अब हमने क्या करना है, SCHO दिख रहा है प्लस HCHO और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड KOH या NaOH ले लेते हैं। चलिए हमने NaOH ले लिया, होना क्या है, इसका H C पर और जो NaOH का H है वो O पर जाएगा, तो ये बन गया CHHH और OH, तो ये बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बन गया बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल। फिर साथ क्या बचा, HCO और यहाँ क्या लग गया, ONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड। तो इस रिएक्शन को जो नाम दिया जाएगा वो क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन भी पूछी जा सकती है और ये कन्वर्जन में भी पूछी जा सकती है। आई होप आपको अभी तक का सारा क्लियर होगा, फटाफट नोट करिए। अब हमारी आ रही है रिएक्शन नंबर 31, जिसमें बेटा सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम बोलेंगे इथेनॉल से ये करते हैं सीधे ब्यूटोइनल, जिसको हम कहते हैं कौन सी कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कैसे होगी ये रिएक्शन वो देखते हैं। इथेनॉल क्या है, CH3CHO, फिर दूसरा इथेनॉल लेंगे CH3CHO प्लस हम किसको ट्रीट कराएंगे, इसको डाइल्यूट NaOH से, डबल एरो क्या यूज करेंगे, डाइल्यूट NaOH। अब ये जो CH3 है हम इसको लिखने वाले हैं CH2 बॉन्ड H, H यहां पे जाएगा, CH2 यहां पे अटैच होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH फिर OH और यहां क्या लग जाएगा, CH2CHO। फिर हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट। हीट करने पे हमें इसमें वाटर निकालना है, वाटर निकालते वक्त हम क्या करने वाले हैं, तो हम यहां पे ये वाला H और ये वाला OH लेके क्या निकाल देंगे, H2O, ठीक है, क्योंकि हमें रिमूव क्या होना होता है, बीटा एलिमिनेशन। तो इसका H और इसका क्या लिया, OH, तो ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या होगा, CHO, जिसका नाम क्या है, ब्यूटोइनल। क्या नाम है, ब्यूटोइनल। अब इसी का एक एडवांस वर्जन है जिसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो उसमें लिखा जाएगा इथेनॉल कॉमा प्रोपेनॉल, इसका नाम से ही कराता हूं क्योंकि ना इसका कन्वर्जन नहीं बनेगा, इसकी सीधी नेम रिएक्शन ही आएगी। क्या नाम है इसका, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम लेते हैं CH3CHO प्लस CH3CH2CHO, हम इसमें सबसे पहले नंबर पे डालेंगे डाइल्यूट NaOH और दूसरा हम इसमें हीट करेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ब्यूटोइनल, जो आपके सामने है ब्यूटोइनल, ध्यान से देखना प्रोडक्ट के नाम आपको याद रखने हैं। दूसरा बनेगा पेंटटोइनल, तो CH3CH2CH डबल बॉन्ड CHCHO, तो ब्यूटोइनल। दूसरा क्या है, पेंटटोइनल। तीसरा क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CCH3CHO, तो इसका नाम है 2-methyl-butoinol, 2-methyl-butoinol। और जो चौथा प्रोडक्ट है वो क्या होगा, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CCH3CHO, तो इसका नाम है 2-methyl-pent-2-enol। तो ये है चार प्रोडक्ट, देखिए फटाफट देखिए चारों। चलो बेटा अब हम तीन और रिएक्शंस पे वर्कआउट करते हैं और देखते हैं क्या है वो। 32 के बाद 33 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे कहा जाएगा इथेनॉल से किसमें कन्वर्ट करो, 1-chloroethane में, हम यहां जो रिएक्शन फॉलो करने वाले हैं उसका नाम है ल्यूकास रिएक्शन। क्या नाम है बेटा, ल्यूकास रिएक्शन। ल्यूकास रिएक्शन में क्या होता है, CH3CH2OH। अब हम इसमें किससे रिएक्ट कर रहे हैं, HCl, और किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, ZnCl2।
अगर मैं OH और H को जोड़ूं तो ये क्या निकालेगा? H2O, और ये बना देगा CH3CH2Cl। सिंपल है ना ल्यूकास रिएक्शन। ऐसे ही अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर 34। सेम क्वेश्चन है, इथेनॉल, और इसको किस में कन्वर्ट करना है? 1-chloroethane में। अब हम जो रिएक्शन यूज करेंगे उसका नाम क्या है? डार्जन रिएक्शन। बस हम रिएक्शन को एंड ही करने वाले हैं, फटाफट होने वाला है वो टाइम। फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हमने जो भी अभी तक पढ़ा वो कितना हमें काम आया। इसको थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। SO एक O के साथ क्या करेगा? SO2 गैस निकालेगा। H इस Cl के साथ क्या करेगा? HCl गैस निकालेगा। अब साथ में बचा गया CH3CH2Cl। क्लियर है? चलिए, गुड। 35, मान लीजिए आपसे कहा जाता है इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करो। हम यहां जो रिएक्शन यूज करने वाले हैं उसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है? इसमें हम CH3CHO लिखेंगे, इसमें 4H के साथ यूज करेंगे, और जिंक एमलगम ZnHg यूज करते हुए हम इसको बना देंगे CH3CH3। मतलब एक एच था तो हमने 2H और ले लिया, तो 2H और O क्या बना लेगा? H2O। नोट कर लीजिए, ये होना था इसका। ओके बच्चों, इधर देख लो, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। ये क्वेश्चन में मैंने ये जो लिखा है इसको इथेन कर लो, ठीक है जी। 35 हो गया, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एसिटिक एसिड से आपको मिथाइल एसिटेट बनाना है। क्या बनाना है? मिथाइल एसिटेट। तो इस रिएक्शन को जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको? एस्टेरिफिकेशन। तो कैसे होती है एस्टेरिफिकेशन? एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। अब हम इसमें CH3OH से रिएक्ट करेंगे, डबल एरो आएगा H+ की प्रेजेंस में, H और OH क्या बनाएगा? H2O, और ये बन गया CH3COOCH3, और क्या रिमूव हो गया बेटा? वाटर। तो ये रिएक्शन थी एस्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट देख लीजिए, वोल्फ किशनर रिडक्शन, वही करेंगे, इथेनॉल को इथेन में कन्वर्ट करेंगे, बट इसका नाम बदल जाएगा। इसका अब क्या नाम हो जाएगा? वोल्फ किशनर रिडक्शन। वोल्फ किशनर रिडक्शन। वोल्फ किशनर रिडक्शन में क्या होगा? CH3C OH। अब आप इसे हाइड्राजीन से रिएक्ट करोगे, जो कि क्या है? NH2। क्या नाम है इसका? हाइड्राजीन। तो O और H2 क्या बनाएगा? H2O। तो एक काम करो, क्या बन जाएगा? CH3CH NH2। फिर आप इसे हीट करोगे, हीट करते ही N2 निकल जाएगा, तो CH3CH3 बन जाएगा और N2 निकल गया। देख लीजिए, बड़ी सिंपल है, फटाफट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट 37 के बाद आता है 38। मान लीजिए लिखा हुआ है सिल्वर एसीटेट, और इसको किस में कन्वर्ट करना है? मान लीजिए मिथेन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? इस रिएक्शन को कहते हैं हंस डीकर रिएक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी ये, ठीक है। इसमें CH3COOAG किससे रिएक्ट कर देंगे? Br2 से, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा? CH3 एक Br के साथ क्या बनाएगा? CH3Br, COO क्या बन के निकल जाएगा? CO2 और AgBr। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे? H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो CH4 बन गया, और क्या निकल गया? HBr। क्या निकल गया बेटा? HBr। देख लीजिए, क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे 39 नंबर, रोजेनमंड रिडक्शन। तो इसमें आप क्या करोगे? इथेनॉइल क्लोराइड है, ठीक है। इथेनॉइल क्लोराइड में आपने इथेनॉल बनाना है। इसको क्या बनाना है? इथेनॉल। कैसे करोगे? रोजेनमंड रिडक्शन। क्या करना है? इथेनॉइल क्लोराइड क्या होता है? CH3CO
सीएल, आप इसमें एस टू डालोगे पैलेडियम बी एस ओ फोर की प्रेजेंस में, क्या होना है सी एस थ्री सी ओ एच और क्या निकल जाएगा एस सी एल। फटाफट इसे नोट करें फिर आगे देखते हैं। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस एक रिएक्शन बड़ी काफी इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है जो आपने कभी पढ़ी थी 11th क्लास के चैप्टर हाइड्रोकार्बन में, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। क्वेश्चन क्या आएगा, एसिटिक एसिड को इथेन में कन्वर्ट करो। क्या क्वेश्चन आएगा बेटा, एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट करो, इथेन में। अभी मैं फिर बोल रहा हूं, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पढ़ी थी वो थी कोलबेस रिएक्शन, लेकिन अब जो रिएक्शन पढ़ेंगे उसका नाम है कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चा जानता है इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर एंड पासेज ऑफ करंट। तो जैसे ही मैं सी एस थ्री सी ओ ओ एच ले लूंगा, अब मुझे क्या करना है, इसमें वाटर के साथ रिएक्ट करना है और इसमें क्या पास करना है, करंट। बस मुझे यहां पे मोल कितने लेने हैं, दो। तो आप नोटिस करिए, टू सी एस थ्री क्या बना लेगा भाई, टू। अगर मैं इसको अलग करूं तो यही तो है, ये टू सी एस थ्री टू सी ओ ओ और टू एच। अपने पर्सनल समझने के लिए, टू सी एस थ्री ने क्या बना लिया, सी एस थ्री, टू सी ओ ओ क्या बनाएगा, टू सी ओ टू, और टू एच क्या बना लेगा, एच टू। कितना सिंपल है ना, आसान तरीका, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। देख लीजिए, नोट करिए फटाफट मेरे साथ जल्दी, मैं और चेक कर रहा हूं कि और कौन सी नेम रिएक्शन आपको और करानी चाहिए। गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए। वो क्या होता है गैटरमैन कोच रिएक्शन, इस रिएक्शन में बेसिकली हम बेंजीन से बेंजोइल क्लोराइड बनाते हैं। बेंजीन से क्या बनाते हैं बेटा, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजीन से बेंजोइल क्लोराइड कैसे बनेगा, तो ये लिया हमने बेंजीन, अब उसको ट्रीट कराया CO प्लस HCl के साथ। तो मैंने बताया था बेंजीन पे H है, तो ये जो CO और H है वो यहां पे अटैक करेगा और ये वाला H इस Cl के साथ कंबाइन करेगा। तो यहां पे बेंजीन पे आके क्या लग जाएगा, सी बेंजोइल क्लोराइड बोल रहा है तो पहले CO H कर लेते हैं। मैंने रिएक्शन का नाम क्या बोला, गैटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। क्या निकलेगा, HCl। अब इसमें हम क्या करेंगे, Cl2 डाल देंगे। तो जैसे हम इसमें Cl2 डालेंगे, बेंजीन पे आके क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड OCl, और H और Cl क्या निकाल देगा, HCl। चेक कर लीजिए एक बारी फटाफट सब लोग, NCERT कन्वर्जेंस 10.11। अब यहां पे आपको अपनी स्पीड दिखानी है, मैं थोड़ा सा स्पेसिंग और देख लेता हूं, यहां से शुरू करता हूं, 10.11 पहला पार्ट, पहला ही पार्ट में आपको कन्वर्जन का बताने जा रहा हूं। इथेनॉल से क्या बनाना है, ब्यूटवनाइन। तो इसको जरा सीरियस लें, क्योंकि अब हम जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं या एनसीईआरटी के तो आ सकते हैं। तो यहां पे जरा आपका अटैक सीरियस होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया तो कैसे करेंगे, देखिए इसका लॉन्ग कट मेथड तो बहुत बड़ा है, इसको हम शॉर्टकट कैसे करेंगे, उसमें हमें 11 का थोड़ा सा पार्ट यूज करना पड़ेगा। एक बात समझ लीजिए आप, कि आपको अभी ये सोच के चलना है कि ये क्वेश्चन यही आ रहा है और यही करना है, रियल में है भी यही, कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर है उससे बाहर नहीं आता, सेम डिट्टो क्वेश्चन उठा के वो कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन कन्वर्जन की रूलिंग है कि शुरू में आपको माइंड मेकअप करना होता है कि जो आ रहा है हमें ये रटना है, रटते 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 वो सेम चीज जब रिपीट होने लगती है तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यस अब वो चीज मेरे को समझ में आने लगी, कि कब वही चीज, अगर 10 मतलब लाइन है तो उसमें से 10 में से 8 लाइनें रिपीट हो रही है, मतलब 10 कॉन्सेप्ट है तो 8 कॉन्सेप्ट रिपीटेड मिलेंगे आपको। देखना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, इथेनॉल सी एस थ्री सी एस टू ओ एच, अब मैं इसमें लगा रहा हूं डार्जन रिएक्शन, ये आपको आपने अभी पढ़ी है, तो एक तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, एसओ सी एल टू। तो जब हमने निकाला तो ये एसओ टू निकल गया और एक क्या निकल गया, एस सी एल, तो ये बन गया सी एस थ्री सी एस टू सी एल, बोलो सही है। अब हम इसको सोडियम इथाइनाइड से रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए, तो एन ए और सी एल क्या बना लेगा, एन ए सी एल, तो ये बनेगा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, और इसको मैं देखना क्या होगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सी एस टू सी एस थ्री, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट वन आइन। ये सोडियम इथाइनाइड जो मैंने बोला, ये इसकी प्रिपरेशन
11th क्लास के हाइड्रोकार्बन में थी, इसीलिए मैंने बोला कि 11th का यूज होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ये आपको आसान लगेगा 100%। क्वेश्चन है इथेन से ब्रोमो इथीन बनाओ। क्वेश्चन क्या है, इथेन से क्या बनाओ बेटा, ब्रोमो इथीन। कैसे इथेन से ब्रोमो इथीन कैसे बनेगा, ये रहा इथेन। सबसे पहले आपको इसमें Br2 ही डालना है। जैसे आप इसमें Br2 डालोगे ये बनेगा CH3CS2Br। बनने के बाद आप इसमें डालोगे एल्कोहलिक KOH। क्या डालोगे, एल्कोहलिक KOH। तो ये ब्रोमीन है, ये अल्फा है, और बीटा से क्या निकलेगा, H। तो जब निकलेगा तो ये क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलो ठीक है। इसके बाद बेटा इसमें आपको फिर क्या डालना है, Br2 समझ रहे, विसिनल डाइहलाइड। तो ये क्या बनेगा, CH2Br। अब हम इसमें क्या डालेंगे, एल्कोहलिक KOH। ये Br, ये अल्फा और ये बीटा का क्या है, H। ये लो, इसका नाम क्या है, ब्रोमो इथीन। क्या बन गया ये, ब्रोमो इथीन। क्लियर है, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अब हम 10.11 पढ़ रहे थे और उसका अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट, थर्ड। अब इस थर्ड पार्ट में क्या है, तो प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपीन। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, प्रोपीन से आपको क्या बनाना है, 1 नाइट्रो प्रोपेन। देखो यहां पे आपका नॉलेज यूज होगा बच्चों, पोजीशन 1 ऊपर से प्रोपीन, तो इसका मतलब पोजीशन 1 है तो एम रोल यूज होगा। एम रोल से नाइट्रो कैसे आएगा वो आपके माइंड में जरूर आना चाहिए कंफ्यूजन, लेकिन अभी क्लियर करता हूं मैं। देखो बस इतना तो समझ में आ गया होगा कि एम रोल यूज होगा। अब आपने इसमें क्या डाला, HBr, और किसकी प्रेजेंस में डाला, H2O2, या आप कह सकते हो C6H5CO का ट्वाइस O2। तो रिच पुअर, रिच पुअर, तो रिच यहां पुअर बनता है और पुअर यहां क्या बनता है, रिच। अभी पढ़ा था, देखते हैं कितना आपके दिमाग में बैठा हुआ है, कितना आपको याद हो पाया। ये लो बेटा हमने Br बनाया, अब हम इसको रिएक्ट करेंगे NaNO2 से। जैसे रिएक्ट करेंगे NaBr, CH3 CH2 CH2 NO2। लो जी थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है, टोलीन से बेंजाइल अल्कोहल। टोलीन से क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। टोलीन क्या होता है, बेंजीन पे क्या लगेगा, CH3। अब आप इसमें Cl2 डालोगे, क्योंकि ये Cl2 अगर बेंजीन पे अटैक होता तो उसमें FeCl3 लिखते हैं, लेकिन ये Cl2 इस पे अटैक होने वाला है, इसलिए हम यहां पे सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट लिख सकते हैं। होना क्या है बेटा, एक H यहां से बेंजीन का हटेगा, ये बन गया CH2Cl, क्या निकल गया, HCl। अब हम इसको ट्रीट कराएंगे एक्वस KOH के साथ, जैसे ट्रीट कराएंगे KCl निकल जाएगा और यहां क्या लग जाएगा, CH2OH, और इसका नाम क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल। देख लीजिए एक बारी, क्रॉस चेक कर लीजिए और फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट पेज, फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है प्रोपीन से प्रोपाइन बनाओ। देखो कितने चलाक हैं ये लोग, क्वेश्चन आया हुआ है हेलो एल्केन में, प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपाइन, जबकि इसका यूज कहां है, ये टॉपिक हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में 11th में पढ़ा हुआ है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 11th उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है जितनी 12th, ठीक है, और ये चीज आप कितना कर पाओगे, तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। ये लिखा हमने प्रोपीन, यहां डाला बेटा Br2, Br2 में 2 ब्रोमीन है, तो CH3CH Br CH2Br। अब मैंने इसमें क्या डाला, पहले एल्कोहलिक क्यों है, ध्यान से देखना, अब एल्कोहलिक केस करता है HBr का रिमूवल, तो ये Br है, ये अल्फा है और ये बीटा का क्या लेना है, सॉरी बीटा का क्या लेना था, H।
तो जैसे HBr रिमूव हो जाएगा ये क्या बनेगा, CH3 CBr, और यहाँ डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH2। अब हमें इसमें ट्रीट कराएंगे NaNH2 से। अब NaNH2 में Na और Br क्या निकाल देगा, NaBr, और NH2 इस वाले H का क्या निकाल देगा, अमोनिया। तो ये बन गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यही बनाना था आपको प्रोपाइन, बढ़िया क्वेश्चन था। अब आ रही है चीज एकदम डायरेक्ट एप्लीकेशन, तो इसे थोड़ा सीरियसली देखना। सिक्स पार्ट बोलता हूं मैं। अब इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बेटा, फ्लोराइड देखा तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो स्वार्थ रिएक्शन है। तो इथेनॉल से क्या बनाना है, इथाइल फ्लोराइड। लेकिन फ्लोराइड तो तब आएगा जब क्लोरो या ब्रोमो हो, तभी तो यहाँ पे स्वार्थ रिएक्शन यूज होगी, स्वार्थ रिएक्शन का यूज होगा यहाँ पे। कैसे, इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 OH। अब हम इसमें किससे रिएक्शन कराएंगे, डार्जन रिएक्शन। तो आपको पता है एक SO2 निकलेगा और एक HCl, जो बन गया CH3 CH2 Cl। अब हम इसको ट्रीट कराएंगे AgF से, तो निकल जाएगा AgCl, तो ये बन गया CH3 CH2 F। चेक कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये बढ़िया क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन। ब्रोमो मीथेन से क्या बनाना है, प्रोपेनॉन। देख लो बेटा, कीटोन, कीटोन मतलब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। हिंट दे सकता हूं मैं, पहले ब्रोमो मीथेन में एमजी डाल के इसको ब्रोमो मीथेन को ग्रिगनार्ड बना लेना। जब ग्रिगनार्ड बन जाएगा तो CH3 CHO के साथ रिएक्शन करो, एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको करा ही रहा हूं। तब तक मैं अगला क्वेश्चन भी लिख देता हूं। तो एक तरीके से हमारे 50 क्वेश्चन अराउंड कंप्लीट होने वाला है। अगला है ब्यूट 1-ईन से ब्यूट 2-ईन। ब्यूट 1-ईन से क्या बन रहा है, ब्यूट 2-ईन। करो, ट्राई करो। इनसे प्रोपेनॉन, तो ब्रोमो मीथेन से प्रोपेनॉन कैसे बनाया, CH3Br में एमजी डाला तो CH3MgBr बना, फिर हमने एसिटाल्डिहाइड से रिएक्ट किया तो MgBr गया O पे, CH3 गया C पे, हमने पढ़ा था ऐसे। फिर हमने वाटर डाला तो एच आर ओ एच, तो ओ एम जी बी आर एच के साथ पीपीटी बना लेता है। अगर मैं H2O को ब्रेक करूं तो किसमें ब्रेक होगा, एच आर ओ एच, ओ एम जी बी आर, और एच क्या बनाएगा, एम जी ओ एच बी आर। अब यहां आके ओ एच लग गया, फिर ऑक्सीडेशन किया गया CrO3 K2 Cr2O7 या कॉपर एट 573, तो ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद ब्यूट 1-ईन से ब्यूट 2-ईन, तो हमने पहले इसमें क्या किया है, मार्कोनिक रूल लगाया है। तो सिंपल है, तो HBr डाल दिया, HCl डाल दिया, फिर एल्कोहलिक एसिड डाला तो बीटा एलिमिनेशन होके ब्यूट 2-ईन बन गया। सिंपल है ना, चलो फटाफट करो। नाइन्थ हो गया, मैं 10th क्वेश्चन आपको, जिन्होंने कर लिया उनको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन है, 1-क्लोरोब्यूटेन से आपको क्या बनाना है, एन ऑक्टेन, C4H9Cl। ये 1-क्लोरोब्यूटेन है, प्लस 2Na प्लस C4H9Cl, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो 2Cl और 2Na क्या बना लेंगे, 2NaCl, और ये बना देगा C8H18, C8H18। तो 1-क्लोरोब्यूटेन से क्या बन गया, एन ऑक्टेन। अगला कहता है बेंजीन से डाइफिनाइल, बेंजीन से क्या बनाना है, डाइफिनाइल। बच्चा बच्चा जानता है ये फिटिंग रिएक्शन की एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आपने बेंजीन लेना है, बेंजीन में डालना है Cl2, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3। 2 Cl हैं, 1 Cl को बेंजीन पे लगाओगे, तो जैसे ही बेंजीन पे आप Cl लगाओगे ये क्लोरो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या निकल जाएगा, HCl। फिर हम क्लोरो बेंजीन को क्लोरो बेंजीन से ही ट्रीट कराएंगे, साथ में 2Na और ड्राई ईथर लेंगे, जिस वजह से 2 बेंजीन आपस में अब डबल होते दिखाई देंगे और क्या निकल जाएगा, 2NaCl, जिसको आप डाइफिनाइल या बाइफिनाइल कहते हो। लो जी, कमाल हो गया, आपने लगभग लगभग 10 क्वेश्चन फटाफट करके दिखा दिए। तो आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं, आपसे मिलेंगे जल्द ही प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।